हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अगर मोटापा कम करना चाहते हैं और आप जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते या फिर डाइट प्लान को नहीं अपना सकते, तो घर पर रहकर सिर्फ पानी पीकर आप कैसे अपने वजन को कम कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ पानी पीकर, पानी को इफेक्टिव तरीके से पीकर अपना वजन अपने घर पर रहकर कम कर सकते हैं बिना बाहर जाए। दोस्तों, जल ही जीवन है ये तो आपने सुना होगा, लेकिन जल ही मोटापा की दवा है, आज आपको ये वीडियो देखकर पता लग जाएगा। दोस्तों, जो गर्म पानी है वो हमारी बॉडी फैट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। वो हमारी बॉडी के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर चर्बी कम होने लग जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हमारे पेट की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होने लग जाती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको कैसे गर्म पानी को पीना है जिससे आपका जो मोटापा है वो दूर हो जाए बिना बाहर जाए। दोस्तों, सबसे पहली जो टिप है वो है कि आपको सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है। अगर आप 2 गिलास पी पाए तो अच्छा है, वरना आप 1 गिलास भी पी सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस गर्म पानी के अंदर, 1 गिलास के अंदर, आप 1 नींबू या फिर काला नमक डाल सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप डाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह ही 1 गिलास गर्म पानी का पी लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी, वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी, जिसके कारण अगर आपको कब्ज या फिर गैस की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी और मोटापा भी कम होने लग जाएगा। दूसरा जो टाइम है दोस्तों, वो है खाने से पहले। अगर आप 3 बार खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, तो आपने हर बार खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी का पीना है। गर्म पानी का पीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप आधा घंटा पहले खाना खाने से पहले गर्म पानी को पी लीजिए, 1 गिलास पानी को पीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा ये कि दोस्तों, जब आप पानी पियेंगे तब आप आधा घंटा बाद जब खाना खाने जाएंगे तो आपको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर कम खाना जाएगा, कम कार्ब जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी में कम फैट बनेंगे और आपका मोटापा जल्दी से कम होना शुरू हो जाएगा। आप नहाने से पहले भी 1 कप पानी और नहाने के बाद भी 1 कप पानी, गुनगुना पानी या गर्म पानी पी सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी फैट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपका बीपी हाई या लो रहता है वो भी नॉर्मल होने लग जाएगा। दोस्तों, जब भी आप सोने जाएं तो सोने से 10-15 मिनट पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं, आपको नींद अच्छी आएगी और जब आप सुबह उठेंगे तो आप तंदुरुस्त होकर उठेंगे। दोस्तों, एक बेहद ही जरूरी सूचना है कि आप पानी को खाने के साथ ना पिए। जब भी आप भोजन करें तब उसके साथ पानी को ना पिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो खाया हुआ भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, जो कि बाद में एसिडिटी बनाएगा, वो आपको बहुत नुकसान दे सकता है। इसलिए आप खाने के साथ पानी को ना पिए। अगर आपको खाने के बाद पानी पीना ही है तो आप कम से कम 1 घंटे बाद पीजिए। और दोस्तों, पानी को इस तरह इफेक्टिव तरीके से पीने से आपकी जो चर्बी है वो बहुत ही आसानी से कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।